नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज क्लिक के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारे देश में लंबे समय से लोग आमतौर पर भीड़ जब होती है, तमाशा जब होता है, तो काफ़ी मज़े लेते हैं। तो तमाशे जो हैं हमारे समाज में, चूँकि बहुत पिछड़ा समाज हमारा रहा है, धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, आधुनिकता आ रही है, लेकिन तमाशों का हमारे समाज में बहुत महत्व रहा है। और अगर हम आज के दौर में देखें, जब हम लोकतांत्रिक भारत का निर्माण कर रहे हैं, जब से भारत में संविधान लागू हुआ, तो हम एक नया मुल्क, एक नया समाज बना रहे हैं आज़ादी के बाद, खासकर संविधान निर्माण के बाद। लेकिन तब भी अगर देखिए, तो जो चुनाव जब आता है, तो ऐसा लगता है कि तमाशे बढ़ गए हैं, केवल समाज में नहीं, सियासत में भी, हर जगह तमाशे। और मैं इस वक्त लाल कृष्ण आडवाणी जी मुझे याद आ रहे हैं, मार्गदर्शक मंडल के वरिष्ठ सदस्य। भारतीय जनता पार्टी ने उनको मार्गदर्शक बना दिया है, इस बार उनको गांधीनगर में भी नहीं उतारा। और उनके तमाम शिष्य चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनको कहा गया कि आप अब थोड़ा इंतज़ार कीजिए या थोड़ा आराम कीजिए। तो उन्होंने अपने सुयोग्य शिष्य नरेंद्र मोदी जी, जो आज देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके बारे में एक बात कही थी कि नरेंद्र भाई बहुत अच्छे इवेंट मैनेजर हैं। ये मेरा कहा हुआ नहीं है, मैं अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री के बारे में भला ऐसे कैसे कह सकता हूँ, मैं एक अदना सा छोटा पत्रकार, मेरे लिए तो माननीय है, एक नागरिक के रूप में भी, एक पत्रकार के रूप में भी, मैं तो उनको प्रधानमंत्री ही मानता हूँ और हमेशा इसी रूप में देखता हूँ। आलोचना भी करता हूँ तो प्रधानमंत्री के रूप में, अगर प्रशंसा भी करना चाहूँ तो प्रधानमंत्री के रूप में। लेकिन ये बात, इवेंट मैनेजर उनके बेहतर होने की बात, लाल कृष्ण आडवाणी जी ने की, जो उनके गुरु रहे हैं, जिन्होंने उनकी जाती हुई कुर्सी कई बार बचाई, जिन्होंने उनको आगे बढ़ाया। और नरेंद्र भाई ने लाल कृष्ण आडवाणी के जीवन की बहुत महत्वपूर्ण एक राजनीतिक यात्रा का एक तरह से पीछे से संचालन किया, और वो यात्रा थी रामरथ यात्रा। वो यात्रा थी अयोध्या में जब मस्जिद का ढांचा गिराने के लिए, जब बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन के लिए वो पूरे देश में अभियान चला रहे थे कि वहाँ पर एक मंदिर बनाया जाना चाहिए, उस दरमियान जब रथ यात्रा निकली थी, तो उसके रथ पर जो सवार दो प्रमुख लोग हुआ करते थे, एक का नाम था प्रमोद महाजन, जो अब दिवंगत हैं, और दूसरे नरेंद्र भाई मोदी। तो अभी मुझे याद आई, जब वाराणसी में 25 तारीख को एक विशाल जन समुदाय लेकर वह निकले और आरती स्थल तक पहुंचे। मैं चूंकि बनारस के बगल का रहने वाला हूं, तो बनारस में जो आरती है वो अमूमन गर्मी के दिनों में 6:45 और 7 के बीच में शुरू हो जाती है, एक उसका टाइम बंधा होता है, जाड़े में संभवतः 7 है और गर्मियों में 6:45 है। लेकिन ये भी कहा जाता है कि ये आरती कभी टल नहीं सकती, इसका समय न आगे न पीछे, ये आरती तो सीधे भगवान से बात करती है, सीधे गंगा मैया से बात करती है, तो ये गंगा मैया की आरती है। लेकिन ऐसा लगा कि नहीं, गंगा मैया की आरती नहीं, भगवान की आरती नहीं, इस बार शायद प्रधानमंत्री जी की आरती थी, क्योंकि उनके लिए आरती का समय बदल दिया गया, इंतजार किया गया, 10 मिनट नहीं, 20 मिनट नहीं, घंटों। तो इस तरह से आरती भी बदल गई। तो जो जलसा, जो तमाशा लेकर नरेंद्र मोदी जी निकले, मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर वो क्या चीज़ उनके अंदर थी जो इस तरह की तमाशाई भीड़, इस तरह का तमाशाई प्रबंधन जरूरी उनको लगा। वैसे ही अपोजिशन ने उनका रास्ता आसान कर दिया है। बनारस में अपोजिशन एकजुट होकर नरेंद्र भाई मोदी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ रहा है, बिखरा हुआ अभी विपक्ष है, और विपक्ष की जो पार्टियां हैं उन्होंने भी कैसे कैसे कैंडिडेट दिए हैं जिनको बनारस के लोग भी ठीक से नहीं जानते, लेकिन फिर भी उन्होंने इतना बड़ा जलसा निकाला, पूरे बनारस की सड़कों को भर दिया, फूल माला, लोग कह रहे थे गुलाब की पंखुड़ियां हवा में यूं तैर रही थी मानो तूफान आ गया है गुलाब की पंखुड़ियों का। लेकिन आखिर गुलाब की पंखुड़ियां हमारे इलाके में इतनी मिलती कहां, बताया गया कि बाहर से ले जाई गई थी, शायद हवाई जहाज से। तो इतनी पंखुड़ियां, इतने फूल, इतने माला, इतने चंदन, इतने अक्षत, कमाल की बात थी। और इतने बड़े जलसे का नेतृत्व बनारस संसदीय चुनाव में नरेंद्र भाई मोदी की चुनावी जीत सुनिश्चित करने के लिए हो रही थी। क्या आपको लगता है ऐसा दोस्तों?
मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि बनारस के उस जलसे के जरिए बनारस का चुनाव, जैसा मैंने पहले कहा कि चुनौती विहीन है, अब पहले हो सकता था कि बहुत जोरदार बहुत तगड़ा चुनाव होता, लेकिन वो संभव नहीं हुआ। लेकिन आज की तारीख में जबकि बनारस लोकसभा संसदीय सीट पर प्रधानमंत्री को कोई गंभीर चुनौती नहीं है, फिर भी इतना बड़ा जलसा, इतना खर्च, चुनाव आयोग तो मानो इस देश से विलुप्त सा हो गया है। जैसे लगता है कि वो सरस्वती की धारा बन गया। लोग कहते हैं कोई सरस्वती नदी है जो दिखती नहीं है, पता नहीं, मैं तो जो दिखता है उसी में यकीन करता हूँ, जो नहीं दिखता उसमें यकीन मेरा नहीं है। लेकिन चुनाव आयोग तो दिखता है, अशोक रोड पर है ना, अशोक रोड पर दिल्ली के बगल में, लेकिन वो दिखता नहीं है जब इस तरह के मसले आते हैं। तो लोग कहते हैं कि बनारस में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां एक पार्टी एक उम्मीदवार का पोस्टर या वॉल राइटिंग ना हो, एक ही तरह के रंग दिखाई दे रहे हैं बनारस में इन दिनों। लेकिन कल जिस तरह के नारे लगे, जिस तरह की बातें हुई, जिस तरह की स्थितियाँ थीं, और जिस तरह से धर्म और राजनीति का घालमेल हो गया था, ऐसा लगता था कि यह धर्म का राजनीतिक मंसूबा है या राजनीति का धार्मिक मंसूबा है। दोनों मंसूबे मर्ज कर गए थे दशाश्वमेध घाट पर। लेकिन आचार संहिता में जहां धर्म और राजनीति को अलग रखने की बात की गई है, जहां कहा गया है कि धर्म, जाति और भाषाई संकीर्णताओं से अलग होना चाहिए चुनाव, इसी आधार पर कईयों के तो नहीं, लेकिन मुंबई का एक बहुत मशहूर मामला मुझे याद है कि जब बाल ठाकरे को इसी आधार पर चुनाव से वंचित किया गया था, मतदान करने से भी वंचित कर दिया गया था, लेकिन क्या मजाल की चुनाव आयोग इस बारे में सोचे। तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि ये बनारस का केवल मसला नहीं था जो इतना विशाल मोबिलाइजेशन किया जाए। सुना है कि किसी अखबार ने यह भी लिख दिया है कि विश्व में इतना बड़ा मोबिलाइजेशन कभी किसी पॉलिटिकल रैली में नहीं हुआ। अब ये तो वो अखबार जाने, शायद उन्होंने पूरी दुनिया के बारे में उनका आंकड़ा, उनका गणित, उनका संख्या बोध, अब वो जाने। लेकिन बहरहाल भीड़ थी, अच्छी खासी भीड़ थी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये भीड़ टेलीविज़न के जरिए पूरे देश को दिखाने के लिए थी, ये सिर्फ बनारस के चुनाव के लिए नहीं थी। हम सब जानते हैं कि टेलीविज़न इस वक्त जो रोल अदा कर रहा है लोकतंत्र में, वो अद्भुत है, बेमिसाल है। दुनिया के किसी भी डेमोक्रेसी में, खासकर मैच्योर डेमोक्रेसी में, टेलीविज़न इस रूप में काम नहीं करता जैसा अपने देश में कर रहा है। बहुत सारे उसके नाम दे दिए गए हैं, बहरहाल नाम से क्या काम देखिए। मुझे लगता है कि टेलीविज़न के पर्दे पर उस विशाल भीड़ को दिखाकर, उस तरह की धर्म और राजनीति का घालमेल दिखाकर, आसपास के न केवल इलाकों को बल्कि पूरे देश को मोबिलाइज करने, प्रभावित करने की एक खास एजेंडा सेटिंग की कोशिश हो रही थी। ये एक पहलू मुझे लगता है कि उस तारीख को, यानी 25 तारीख को जो हुआ उसके जरिए किया जा रहा था। और दूसरी बात, 26 तारीख को नॉमिनेशन, उसमें भी जुलूस, और अभी सुना गया है कि एक और इवेंट, बहुत बड़ा इवेंट अभी मैनेज किया जा रहा है, वो भी शक्ल जल्दी ही ले रहा है, आकार ले रहा है, वो है 1 मई को। सुना है, मैं नहीं जानता कि एक हो सकता है स्थगित हो जाए, हो सकता है निर्वाचन आयोग की ओर से कोई बात हो जाए। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने वाला है कि निर्वाचन आयोग कहीं कोई आपत्ति करे, जब धर्म और राजनीति एक हो गए हैं इस चुनाव में तो क्या करेगा। और निर्वाचन आयोग का कोई मतलब अपनी आचार संहिता से नहीं रह गया है, केवल दिखावे के लिए है। कुछ छुटभैया नेता या मझोले कद के नेताओं पर कभी नोटिस चली जाती है 12 घंटे की, 48 घंटे की, 72 घंटे की, इसके बाद सब कुछ खामोश। बड़े नेताओं पर कोई नज़र नहीं, बड़े नेताओं को कोई नोटिस नहीं, बड़े नेताओं पर कोई कदम नहीं, पार्टियों पर कोई कदम नहीं। तो अभी सुना गया है कि 1 मई को माननीय प्रधानमंत्री अयोध्या जाएंगे, और अयोध्या वो पहली बार जाएंगे इस कार्यकाल में। तो अब आप सोचिए कि वो कैसा इवेंट मैनेजमेंट होगा। अब सवाल इस बात का है कि जनता अपने लोकतंत्र में तमाशबीन क्यों हो रही है, क्यों सवाल जनता क्यों नहीं उठा रही है, वो लोकतंत्र की हिस्सेदार क्यों नहीं बन रही है। मुझे लगता है कि इस देश की जितनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो एक दूसरे की प्रतिद्वंदी हैं, कोई नहीं चाहता कि जनता लोकतंत्र की हिस्सेदार बने, कोई नहीं चाहता कि हमारी डेमोक्रेसी पार्टिसिपेटरी बने। सभी चाहते हैं कि डेमोक्रेसी का एक नाम हो, डेमोक्रेसी का एक आवरण हो, लेकिन सब कुछ वैसे चले जैसे राजा महाराजाओं के दौर में चलता था। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि जनता को तमाशों से प्रभावित करने की कोशिश हो रही है, उसको तमाशबीन बनाया जा रहा है, हिस्सेदार नहीं लोकतंत्र का।
जिस तरह से लोग अपने दुख दर्द भूल करके इन तमाशों को देखने लगते हैं, ऐसा लगता है कि इसके पीछे एक खास योजना है। जिस तरह के विजुअल्स, जिस तरह की इमेजरी, जिस तरह के स्लोगन, जिस तरह के धार्मिक आयोजन, ये सब कुछ टेलीविज़न है। ये कोई साधारण बात नहीं है, लोगों के बेडरूम तक पहुंच रहा है। और जिनके बेडरूम में टीवी नहीं है, वो कहीं किसी चाय की दुकान पर, किसी खोमचे की दुकान पर देख रहे हैं। छोटे छोटे तमाम लोग समूहों में आकर के आप गांव में, कस्बों में देखिए, वो इंतज़ार करते हैं इन चीज़ों का। तो अपने देश में जब एजुकेशन, जब हेल्थ, जब दूसरे और सवालों को लेकर एक समझदारी, एक तरह की चेतना नहीं विकसित करने दी जा रही है, तो ऐसा लगता है कि पूरे लोकतंत्र को तमाशाई लोकतंत्र में तब्दील कर दिया गया है। और ये देश की जमहूरियत के लिए नहीं, सिर्फ जनता के लिए नहीं, बल्कि इस पूरे समूचे लोकतंत्र के लिए, समूचे मुल्क के लिए, यहाँ की आबादी के लिए, इसके वर्तमान के लिए, इसके भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए, मैं समझता हूँ दोस्तों, ये बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन इस खतरे से जूझने के लिए तैयार कौन है? हम इसी सवाल के साथ आपको छोड़े जाते हैं। आप सोचिए, जरूर सोचिए, क्योंकि समय गुजर रहा है।